हेलो नमस्कार पिला माने अर्बन एडुकेट चैनल को तुमको स्वागत करा जाउछि। आमे पढ़ुले जीव विज्ञान दशम श्रेणी यार तृतीय अध्याय आमे आलोचना करूथले कौन थिला ना परिवहन और संचालन। तो यार प्रथम रु आमे दुईटी पार्ट सारी देछे, आज आमे तृतीय पार्ट आलोचना करिबा। पिला माने भिडियोटी कम्प्लीट देखिबो, डिटेल्स रे बुझिपारिबो। पूर्व भिडियो गुड़क जो देखि ना लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन रे, जाई कि देखिपारिब। एवं आमर हिस्ट्री ज्योग्राफी एसब सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन हो तुम्हें देखिपारिब। जो चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर भिडियोटी को। एवं चलो देखा आज कौन रही परिवहन संचालन पार्ट थ्री। तो पिलाने आम देखा आज कौन ना रक्त संचालन विषय जहाँ को इंग्लीश में कहुए ब्लड सर्कुलेसन। तो शरीर में रक्त संचालन रही कि नली। तो पिलाने आम शरीर जेकोसी स्थान को आम देखा स्थान कौन मिल आमको तो रक्त मिल। तो ये रक्त संचालन किसी नली थाए, यही नली मानक रक्त बाहिनी बा इंग्लीश रे ब्लड भेसल बोली कह जाए थाए। तो आम शरीर में रक्तर नवा आणवा करने गोटे नली रही। तो से ही नली को से ही नली मानक रक्त बाहिनी बोली कह जाए थाए। यही नली गुड़िक शरीर परिवहन संस्थार एक मुहा रास्ता पर पाने बुझिपार। ताल यही नली गुड़िक कौन ना शरीर परिवहन संस्थार एक मुहा रास्ता परी। ताले आम शरीर मध्य विभिन्न जो परिवहन या रक्त बाहिनी द्वारा ही करा जाई थाए। हिसाब कर देखा जाए प्राय 96,000 रु 1,60,000 किलोमीटर लंब नली आम देह सारा बिछे हो रही। ताले आम देह जी नली अच्छी जब आम मापा तेल सीटा के 96,000 रु 1,60,000 किलोमीटर लंबर नली आम देह सारा कौन बिछे रही। रक्त बाहिनी साधारणतः तीन प्रकार केते प्रकार रक्त बाहिनी होती तीन प्रकार जथा हो धमनी इंग्लीश रे कहे आर्टेरी, द्वितीय आसला शिरा भेन बोली कह जाए, और तृतीय आसला रक्त कैशिक कैपिलारी बोली कह जाए थाए। पे बुझिपार आम शरीर में तीन प्रकार रक्त बाहिनी देखा जाए, गोटे हूँ धमनी क्या आर्टेरी, द्वितीयटी है शिरा बा भेन कह जाए, और तृतीय आसा रक्त कैशिक कैपिलारी बोली कह जाए थाए। तापर देखिए आगे कौन रही शिरा और धमनी मध्य को रक्त को संचालित करिबारे हृत्पिंड मुख्यतः गोटे पंप पर अविराम भाव में कार्य करें। तो आम हृत्पिंड हूँ गोटे पंपिंग अर्गान। पंपिंग अर्गान अर्थ कौन ना यह आम शिरा और धमनी मध्य कौन करे रक्त संचालित करिबारे साहाज्य करिथाय। एवं एटा 24 आवर 24 घंटा आम शरीर में अविराम भाव में कार्य करुच्छी। तो गोटे सेकेंड पाई भी आम हृत्पिंड कौन स्पंदन करिबा बंद करी न था, यह अविराम भाव में चली थाए। हृत्पिंडर संकोचन जनित चाप फल धमनी और रक्त कैशिकी दे रक्त प्रवाहित हो शरीर प्रत्येक कोष निकट में पहुँची थाए। ताल कौन कह हृत्पिंडर जितेबाड़ संकोचन जनित चाप पड़ी थाए कौन हुए ना धमनी आ रक्त कैशिक रक्त प्रवाहित हुए, रक्त प्रवाहित हो शरीर प्रत्येक कोष निकट में पहुँची थाए। तेणु आमर जेको स्थान भी जब कटि जाऊँगी रक्त बाहर। तो यही रक्त कौ बाटे पहुँची थाए आमर धमनी दे कि पहुँची थाए। एथिरु कौन करे ना कोष अम्लजान खाद्य और अन्यान्य पदार्थ आवश्यक मुताबक ग्रहण करें। तो आम कोष कौन करे ना एथिरु अम्लजान ग्रहण करे, खाद्य ग्रहण करें, आउ अन्यान्य पदार्थ आवश्यक मुताबक संग्रह करे। ताहले एठी कौन हैला ना धमनी साहाज्य रक्त जाकि कोष निकट में पहुँचीगला, एवं से ही रक्त कौन करी नहीं थाए ना अम्लजान नहीं थाए, खाद्य नहीं थाए, आउ अन्यान्य पदार्थ सबू नहीं थाए। एवं ए सब नहीं कि कौटी पहुँचाई थाए ना ए सब नहीं कि से पहुँचे थाए शरीर प्रत्येक कोष निकट। कोष को जो अम्लजान मिलूँ कोष को जो खाद्य मिलूँ तो ये सब नवा आणवे साय किए करें सी हूँ रक्त। एवं ये सब जाए कौ बाटे धमनी दे फेरी आसे कौ बाटे शिरा दे। पे बुझिपार यदि भिडियोटी भल लगुच लाइक कर दि सांगे सांगे सांग मानक सेयार कर, आम चैनल को सब्सक्राइब कर। ताहले अम्लजान और खाद्य कोष मध्य व्यवहार होगापर कोषर बाहर अंगारकाम्ल और विभिन्न बर्ज्यवस्तु कोष बाहर को चली आसे। पे बुझिपार कौन कहला ना अम्लजान और खाद्य कोष मध्य जो व्यवहार होपर कौन हम आम जितेबाला आम अम्लजान बडी भितर नौचे अंगारकाम्ल बडी भितर बाहर करुचे से ही कोष भी अम्लजान निए कोष भी खाद्य नौ। तो
तेणु यही कोष जो अम्लजान आ खाद्य नहीं थाए यहाँ प्रथम व्यवहार कला से कौन कै अंगारकाम्ल आ विभिन्न बर्ज्यवस्तु कोष बाहर को बाहर कर दे थाए ताले प्रथम अम्लजान आ खाद्य नहीं कि कोष व्यवहार कर व्यवहार होगापर कोषर कौन कै अंगारकाम्ल आ विभिन्न बर्ज्यवस्तु बाहर को बाहरी आसी थाए पे बुझिपार प्रथम शिरा रक्त कैशिक भेनस कैपिलारीज परे छोट शिरा भेन्यूल्स द्वारा से समस्त संघीभूत हो शिरा मध्य को प्रवेश करे ताले कौन कहला ना प्रथम शिरा रक्त कैशिक और परे छोट शिरा द्वारा से समस्त संगृहित हो शिरा मध्य को प्रवेश करे ताहले आमर एठी धमनी नहीं कि जाउची कोष पर्यंत एवं कोषरु पुणी हृत्पिंड को क्या साहय पलि आसे से शिरा द्वारा ताले रक्त कैशिक दे पास करे थे कौन जिते सबू संगृहित पदार्थ गुड़िक रक्त कैशिक दे पास कैं कौटी आए यह शिरा मध्य को प्रवेश करे पुणी हृत्पिंड मध्य को फेरी आसी थाए शिरा उपर पेशीर संकोचन और शिथिलन जो रक्त ठेली हो हृत्पिंड आसी पहुँची थाए ताले कौन हुए ना शिरा जो आम अच्छी बडी भितर से शिरा उपर कौन करे ना पेशीर गोटे संकोचन पड़े और शिथिलन जो रक्त ठेली हो हृत्पिंड पर्यंत आसे यह छड़ा शिरा रही एक विशेष धरण कपाटिका भाल्व जहाँफल रक्त शिरा मध्य पछक फेरी पारे ना पे बुझिपार कौन कही शिरा रही गोटे विशेष धरण कपाटिका जहाँ भाल्व बोली कहुए यह फल कौन हुए ना रक्त शिरा मध्य पछक आउ फेरी पार ना जमी तुम सैकल चकार गोटे भाल्व पिन लगी थाए जहाँफल तुम जो पंप मारे सैकल भितर को पंपटा जाऊँगी आपको सागे सागे बाहरी आस कि बाहरी आसपार ना जी भाल्व पिन को खोलीदेव ताल पंपटा बाहर ना बाहर ना से भाया शिरा गोटे विशेष धरण कपाटिका रही जार नाम हो भाल्व जहाँफल कौन हुए ना रक्त शिरा मध्य पछक फेरी पारे ना गोटे डिरेक्शन से सीधा सीधा आग को जीव से विलियम हार्वे नामक जड़े ब्रिटिश डाक्तर आम शरीर में रक्त किपर संचालित हुए ता प्रथम आविष्कार करते तर से डाक्तर नाम कौन ना विलियम हार्वे तो विलियम हार्वे कौन करते ना जड़े ब्रिटिश डाक्तर से आम शरीर में रक्त किपर संचालन हुए संचालित हुए ता प्रथम आविष्कार करते किए सी विलियम हार्वे सी होती ब्रिटिश जड़े डाक्तर से आम शरीर में रक्त किपर संचालित हुए प्रथम आविष्कार करते यापर कौन कहले मनीष शरीर में हृत्पिंड रक्त धमनी जरिया गोटे बाट दे जाए और अन्य बाट दे शिरा जरिया हृत्पिंड को फेरी आसे मुझे पूर्व कही मनीष शरीर में हृत्पिंड जो रक्त आसे तो सी धमनी जरिया आसी थाए गोटे पटे आसब एवं जोबले हृत्पिंड को पुणी फेर से धमनी जरिया फेरी न थाए सी कौ बाटे दे फेर से शिरा दे कि फेरी थाए पे बुझिपार मनीष शरीर जो हृत्पिंड रक्त कौ बाटे आसे सी आसा धमनी द्वारा एवं फेरी जाए कमी पुणी हृत्पिंड को सीटा हूँ शिरा जरिया हृत्पिंड को फेरी जाए थाए पे बुझिपार रक्त नली मध्य गति को रक्तर यही गति कौन कह आबद्ध संचालन कहा जाए तो मुझे सर्ट क्वेश्चन सब डिस्कसन कर तुम्हें देखीदेव तो रक्त नली मध्य रक्तर यही आबद्ध गति को कौन कहुए आबद्ध संचालन क्लोज्ड सर्कुलेशन कहुए कारण एपटे मनुष्य शरीर में गोटे रास्त रक्त आसब एवं आ गोटे रास्त रक्त पुणी हृत्पिंड को फेरी जाए थाए पे बुझिपार एवं आम हृत्पिंड हार्ट विषय आलोचना करवा तो हृत्पिंड कौन कहे पे ना मनीषर बक्ष गह्वर मध्यस्थल दुई फुसफुस मझीरे मध्य छदार उपरी भाव में सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित पे बुझिपार कौटी अच्छे हृत्पिंड परीक्षा पड़े हृत्पिंड अवस्थित को अवस्थित आलोचना कर मनीषर बक्ष गह्वर मनीषर बक्ष गह्वर मध्यस्थल दुई फुसफुस मझीरे ओ मध्य छदार ऊपर सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित जड़े वयप्राप्त प्राप्त वयस्क व्यक्तिर हृत्पिंडर लंब हो 12 सेंटीमीटर ओसार 9 सेंटीमीटर आ ओजन हो 250-300 ग्राम यार रंग माटिया लाल हृत्पिंड रही 4 प्रकोष्ठ ऊपर 2 प्रकोष्ठ को एट्रियम अलिंद कह तो कौन कहला ना ये आम हृत्पिंडटी रही यार रंग हूँ माटिया लाल आम हृत्पिंड रही 4 प्रकोष्ठ केत प्रकोष्ठ रही 4 प्रकोष्ठ ऊपर 2 प्रकोष्ठ को एट्रियम कहा जाए अलिंद कहा जाए दक्षिण और बाम अलिंद रही
और तल को दुई प्रकोष्ठ क्या जाए भेन्ट्रिकल बोली कह जाए ओडिया नीलय जमी दक्षिण बाम नीलय ताले दुईट अलिंद अच्छी केतोटी दुईट अलिंद अच्छी आउ कौन अच्छी ना दुईट नीलय अच्छी कौन अच्छी नीलय रही अच्छी पिलाने बुझिपार आम हृत्पिंड हूँ चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट से कौन हो दुईट अलिंद केतोटी दुईट अलिंद अच्छी आउ दुईट नीलय अच्छी गोटे हूँ बाम अलिंद आ गए दक्षिण अलिंद आ दुईट नीलय हूँ बाम नीलय आ दक्षिण नीलय पे बुझिपार तल प्रकोष्ठ दुईटा कहते नीलय तो जो आम हृत्पिंड अच्छी तल प्रकोष्ठ दुईटा कहते देख य चारि भाग होगा तो तल दि प्रकोष्ठ को कहते नीलय आर दि प्रकोष्ठ को कहते अलिंद पे बुझिपार ना आउ थे बुझे दूसरी शुणी था तो पिलामाने ऊपर आम सपोज यहाँ है हार्ट तो या आम चारि भाग करदे तो चारि भाग करदे ऊपर दुई भाग को कौन कहते ना अलिंद बोली कह जाए कौन कह जाए अलिंद बोली कह जाए एवं तल दुई पार्ट रहा से दुई पार्ट को कौन कह जाए नीलय बोली कह जाए कौन कह जाए नीलय बोली कह जाए तो यहाँ है बाम अलिंद यहाँ है दक्षिण अलिंद यहाँ हूँ बाम नीलय यहाँ हूँ दक्षिण नीलय पिलामाने बुझिपार डिटेल्स चल आगे देखा तो पिलामाने दक्षिण अलिंद सहित कौन लगी ऊर्ध्व महाशिरा ताको इंग्लीश रे कह जाए सुपेरियर भेनाकाबा और निम्न महाशिरा दुईट बृहत रक्तवाहिनी क्या सहित संजोग दक्षिण अलिंद सहित पे कन्फ्यूज हम मन रखी दक्षिण अलिंद सहित कौन लगी ऊर्ध्व महाशिरा आ गोटे हूँ निम्न महाशिरा पे ये चित्र देखीदि ये ऊर्ध्व महाशिरा आ गोटे हूँ निम्न महाशिरा ये ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा कौन लगी दक्षिण अलिंद सहित लगे दक्षिण नीलय सहित कौन लगी दक्षिण नीलय सहित फुसफुस धमनी व पल्मोनर आर्टरी संयुक्त हो रही अच्छी दक्षिण नीलय सहित कौन लगी फुसफुस धमनी लगी चित्र देखीदे पे अच्छी ना देख फुसफुस धमनी अच्छी फुसफुस धमनी टा कौट लगी दक्षिण नीलय सहित लगी रही अच्छी पे बुझिपार तापर देखा आग को बाम अलिंद सहित कौन लगी फुसफुस शिरा लगी बाम नीलय सहित लगी कौन ना महाधमनी पे बाम अलिंद सहित कौन लगी फुसफुस शिरा एवं बाम नीलय सहित लगी महाधमनी पे चित्र को देख तो ये बाम नीलय कौन लगी महाधमनी पे देखीद ये कौन अच्छी फुसफुस शिरा देखीद कौट अच्छी बाम अलिंद पे बुझिपार बाम अलिंद फुसफुस शिरा अच्छी तापर चल आगे देखा हृत्पिंडर दक्षिण अलिंद और नीलय द्वार कौन कहला हृत्पिंडर अलिंद और नीलय द्वार प्रकोष्ठ और रक्तवाहिनी मध्यस्थित द्वार दुईट बा तीनोटी पतला परदा व कबाट पर कपाटिका लगी कौट लगी था ना अलिंद नीलय द्वार किंबा प्रकोष्ठ और रक्तवाहिनी मध्यस्थित द्वार दुईट किंबा तीनोटी केतोटी दुईट नहले तीनोटी कौन लगी पतला परदा व कबाट पर कपाटिका लगी था ताल यो कपाटिका लगी प्रत्येक परदा कौन कह जाए पाखुड़ा बोली कहा जाए थाए सेमती दक्षिण अलिंद और दक्षिण नीलय द्वार तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका और बाम अलिंद और नीलय मध्य दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका थाए पे बुझिपार कौटी कौटी ना दक्षिण अलिंद आ दक्षिण नीलय द्वार तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका थाए एवं बाम अलिंद आम नीलय भितर दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका रही थाए तापर आसला नीलय और रक्तवाहिनी स्थित कपाटिका को अर्ध चंद्राकृति कपाटिका बोली कहा जाए था कौन कहला ना नीलय आ रक्तवाहिनी मध्यस्थित जो कपाटिका थाए अर्ध चंद्राकृति कपाटिका बा सेमी लुनार भाल बोली कहा जाए था अलिंद और नीलय मध्यस्थित कपाटिका नीलय आड़ को ये मन रख पाने भल पॉइंटा परीक्षार पड़ी थाए कौन कौच ना अलिंद और नीलय मध्यस्थित कपाटिका नीलय आड़ को और नीलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका रक्तवाहिनी आड़ को खोली पारे ताले अलिंद आउ नीलय मध्य जो कपाटिका रही कड़े खोल नीलय आड़ खोल और नीलय आउ रक्तवाहिनी मध्य जो कपाटिका रही कौटी खोल से रक्तवाहिनी आड़ को खोली था तेणु रक्त केवल गोटे दिगरे प्रवाहित होता है मनुष्य शरीर रक्त कौटी गोटे दिगरे प्रवाहित होता है कपाटिका बंद हो गले रक्त से ही बाटे पछ को फेरी पारे ना तो वन्स रक्त जाने जीव से मझे के रही कि पछक अटकी पार पछक फेरी आसब ना कपाटिका जदि बंद हो रक्त से बाटे आ पछक फेरी पारे ना
तेणु कौन कहला ना हृत्पिंडर चारोटी प्रकोष्ठ मध्यर बाम निलय अधिक दक्ष यार प्राचीर अधिक मोटा कारण बामपट निलयर संकोचन हेले अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी मध्य शरीर विभिन्न अंग को जाए तो कौन कह हृत्पिंडर जो चारोटी प्रकोष्ठ रही बाम निलय सबुठारु अधिक दक्ष एवं यार प्राचीर अधिक मोटा कारण बामपट निलय जितेबाला संकोचित हेबो सही बाटे कौन हम ना अम्लजान युक्त बा ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन युक्त कौन हम रक्त शरीर महाधमनी मध्य विभिन्न अंश को जाए पे बुझीपार अम्लजान युक्त रक्त कौ बाटे जाए महाधमनी देकि शरीर विभिन्न अंग को जाए तो डाहाणपट निलयर संकोचन फल अम्लजान विहीन तेल कौन कहला ना डाहाणपट जो निलय अच्छी बाम निलय अधिक दक्ष तेणु अम्लजान युक्त रक्त जाए डाहाणपट निलय जितेबाला संकोचन कै से अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस धमनी हो फुसफुस को जाए तो पे बुझीपार बाम निलय कौन हुए अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी दे शरीर विभिन्न अंश को जाए डाहाणपट जो निलयटी रही संकोचन बल कौन हम ना अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस धमनी दे फुसफुस को जाए बुझीपार चित्र पे परीक्षा रास्ते टे भलसे देख एटा आम ऊर्ध महाशिरा एटा निम्न महाशिरा बृहत धमनी देख हृद धमनी ये गोटे अच्छी तापर दक्षिण अलिंद यटा बाम अलिंद हूँ यहाँ यापर यहाँ हूँ दक्षिण निलय यटा हूँ बाम निलय यटा हूँ फुसफुस धमनी आमर तापर एपट भी आउ गोटे दे देख पे ये कौन दे आ गोटे भी यहाँ हूँ आमर कौन ना मनीष हृत्पिंडर आभ्यंतरीण गठन आईटा हूँ उपरटा आम देखिले कौन ना मनीष हृत्पिंडर बाह्य गठन तो आभ्यंतरीण गठन पे देखिदि ऊर्ध महाशिरा कौटे अच्छी यहाँ है ऊर्ध महाशिरा ऊपर पर्सनटा यहाँ हूँ महाधमनी यही महाधमनी बाटे कौन जाए अम्लजान युक्त रक्त जाए तापर दक्षिण फुसफुस धमनी यहाँ यहाँ बाम फुसफुस धमनी यहाँ आम रहा बाम अलिंद यहाँ है आम फुसफुस शिरा ये आम गोटे अर्ध चंद्राकृति कपाटिका रही आम पढ़े यहाँ हूँ दक्षिण अलिंद यापर आगे आसा कौन ना ये आम अच्छे तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका यहाँ तापर निम्न महाशिरा व्यवराध व्यवधारक पट यटा ये जगटा तापर दक्षिण निलय हूँ ये पोर्सनटा तो यहाँ हूँ आम दक्षिण निलय ये पोर्सनटा तापर यहाँ हूँ बाम निलय तापर यहाँ हूँ दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका पे बुझीपार डिटेल्स घर प्राक्टिस कर तापर कौन कहला ना हृत्पिंड गठन करथवा पेशी बा कार्डियाक मसल शरीर अन्य पेशी ठार भिन्न ताले हृत्पिंडर गोटे पेशी अच्छी जार नाम अच्छी कार्डियाक मसल जन्म ठार मृत्यु पर्यंत एही पेशीर अनवरत संकोचन और शिथिलन घटिथाय फलरे हृत्पिंड स्पंदित होइथाय ताले हम हृत्पिंड स्पंदित बापे कौन हम संकोचन और शिथिलन यार काम किए करथाय सेटा होछि कार्डियाक मसल आ गोटे निर्दिष्ट पेशी थाए जहाँ जन्मर मृत्यु पर्यंत अनवरत चलिथाय तेणु गोटे सुस्थ व्यक्तिर हृत्पिंड स्पंदन हार के एक मिनिट्रे 72 थर करें आम पे जड़े सुस्थ व्यक्तिर हृत्पिंड स्पंदन हार के एक मिनिट्रे 72 थर हृत्पिंड मांसपेशी को हृदधमनी आ हृदशिरा द्वारा संचालित होइथाए ताले कौन कहूँ ना हृत्पिंड मांसपेशी को हृदधमनी आ हृदशिरा द्वारा रक्त कण हुए संचालित होइथाए मनीष तथा अन्य स्तन्यपायी और पक्षी मानक हृत्पिंड चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट होता है कौन कहला मनीष तथा स्तन्यपायी प्राणी माने और पक्षी मानक हृत्पिंड केते चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट होता है तेणु एम कौन हुए ना हृत्पिंड अम्लजान युक्त रक्त आउ अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण हुए ना तो आमर जेहेतु चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट हृत्पिंड तेनाली आम शरीर में अम्लजान युक्त रक्त आउ अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण घटी न था ये अलग रे अलग रही थाए ये दुटा परस्पर मिसिबे ना बामपटर अलिंद और नील मध्य अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित होता बेले दक्षिणपट अलिंद और नील मध्य अम्लजान विहीन रक्त प्रवाहित होता है कौन कहला ना बामपटे जो अलिंद निलय अच्छी जो आम हृत्पिंड यहाँ तो बामपटर जो अलिंद और निलय अच्छी तो से बामपटर अलिंद निलय मध्य कौन हुए ना अम्लजान युक्त रक्त प्रभावित होता प्रभावित होता एवं दक्षिणपट जो अलिंद आउ निलय रहिला सेथिरे कौन हुए ना अम्लजान विहीन रक्त प्रवाहित बा संचालित होइथाए
ताले एपटे अम्लजान युक्त एपटे अम्लजान विहीन ताहले कौन कहला ना बामपटे कौन हुए अलिंद निलय मध्य अम्लजान युक्त आ दक्षिणपटे अलिंद निलय मध्य कौन हुए अम्लजान विहीन रक्त संचलित होता है। शरीर विभिन्न अंग को कौन शरीर कौन सी अंग को थे रक्त पहुँचला बेलू ता दुई थर हृत्पिंड मध्य प्रवाहित हुए तो कौन कहला ना आम शरीर गोटे अंग को जो रक्त जा पहुँच ता कौन हुए ना हृत्पिंड मध्य दुई थर प्रवाहित होता है। तेणु ए प्रकार रक्त संचालन को दैत संचालन बोली कहा जाए। दैत संचालन मनुष्य शरीर में देखा जाए कौन कहे ना हृत्पिंड मध्य जो आम शरीर कौन सी अंग को थे रक्त पहुँची थाए से दुई थर हृत्पिंड मध्य प्रवाहित होता है। तेणु यह प्रकार रक्त संचालन को दैत संचालन कहुए मैंने क्लास टी आज ये रखुचे ये दैत संचालन विषय में आम नेक्स्ट क्लास आहरी डिटेल्स जाना दैत संचालन किपर होता है से विषय आम जाना देखु तुम स्ट्रक्चरटा यहाँ आलोचना करवा भिडियो भल लगता लाइक कर सेयार कर सांगसाथी मानक पुणी नेक्स्ट क्लास देखा रही नमस्कार।